दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। दो पक्षों के बीच हुए इस हिंसक बवाल में 8 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। हिंसा पर उतारू भीड़ ने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 नाबालिगों समेत 23 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस बीच बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ होने का आरोप लगाया है। चलिए जानते हैं कि कौन है रोहिंग्या मुस्लिम और क्यों उन पर लग रहा है जहांगीरपुरी में हिंसा का आरोप। भारत में है रोहिंग्या मुस्लिम की कितनी आबादी है और हिंसा में रोहिंग्या के शामिल होने की बात कितनी सच है। क्यों आया जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुई हिंसा के लिए बीजेपी ने रोहिंग्या मुस्लिमों और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों या इमिग्रेंट को जिम्मेदार ठहराया। फिर जहांगीरपुरी में जहाँ पर हिंसा हुई थी तो वहाँ पर क्या सच में रहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम। तो जहांगीरपुरी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में बसा है एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आज़ादपुर के पास स्थित है। जहांगीरपुरी बेहद सघन बसा इलाका है। जहांगीरपुरी इलाके को ए से लेकर एस तक 8 ब्लॉकों में बांटा है। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है, जिनमें से कई के रोहिंग्या होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। और शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में ही हुई थी। तो अब ये समझते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम आखिर हैं कौन और ये कहां से आए हैं। तो रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्यविहीन जातीय समूह है। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है और 2017 में हुए रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। दिल्ली में भी रोहिंग्या मुस्लिमों की कई सारी बस्तियाँ हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी UNHRC के अनुसार दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा होने का अनुमान है। अगर अपन भारत की बात करें कि भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या कितनी है, तो भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ गई है। सरकार के मुताबिक देश में रोहिंग्या विशेषकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में है। सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के लिए कोई शरणार्थी कैंप नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन राज्यों में रोहिंग्या मुस्लिम हैं उन राज्यों की गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करके उन रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस अपने देश में भेजने की तैयारी में है। सेंट्रल गवर्नमेंट रोहिंग्या मुस्लिमों को देश के लिए खतरा बता चुकी है। सरकार भारत में आने वाले रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी या इमिग्रेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्या को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने के बाद भी भारत सरकार उन्हें अवैध अप्रवासी की श्रेणी में रखती है। भारत ने UN शरणार्थी संधि 1951 और 1967 प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया है, इसलिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लेकर UN के नियम मानने को मजबूर नहीं है। भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों को अवैध रूप से प्रवेश कराते हैं कई सारे गैंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में से ऐसे कई गैंग पकड़े गए हैं जो फर्जी दस्तावेजों की मदद से रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत लाने का काम करते हैं। भारत की सीमा में लाने के बाद पहले उनका UNHRC में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और फिर उन्हें अलग अलग राज्यों में पहचान बदलकर शरण दिलाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों से रोहिंग्या का मुद्दा भारतीय राजनीति में बहुत गर्म रहा है। बीजेपी रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकालने की मांग करती रही है। 2019 चुनावों के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए रोहिंग्या मुस्लिमों को राशन कार्ड मुहैया कराने का आरोप लगाया था।
2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में रोहिंग्या मामले पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के खाने पीने का इंतजाम कर रही है। क्या रोहिंग्या मुस्लिमों का आतंकवाद से कोई कनेक्शन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के DG KK शर्मा ने 2018 में कहा था कि देश में अवैध रूप से रोहिंग्या का बड़ी संख्या में आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या के आतंकी संगठनों से लिंक की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग और जाफराबाद में हुए CAA प्रोटेस्ट में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक दलों ने वोट के फायदे के लिए कई रोहिंग्या के राशन और आधार कार्ड तक बनवा दिए हैं, जिससे अवैध रूप से रह रहे कई रोहिंग्या की पहचान भी मुश्किल हो गई। वैसे अब तक भारत में किसी आतंकी हमले में किसी रोहिंग्या रिफ्यूजी का हाथ होने को लेकर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। क्या जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था? हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेजरलाल मीणा पर गोली चलाई थी। मेजरलाल का कहना है कि जैसे ही शोभा यात्रा सी ब्लॉक में मस्जिद के पास पहुंची, उस पर पथराव शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि दंगाई नारे लगा रहे थे और उनकी गोली काफ़ी हद तक बांग्लादेशियों जैसी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहांगीरपुरी के जिस सी ब्लॉक में यह हिंसा हुई, वहाँ बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है और वहाँ रोहिंग्या भी रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में आने वाली दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो रोहिंग्या मुस्लिमों की चर्चा चल रही है तो वह क्यों चल रही है और कौन है रोहिंग्या और वह हमारे देश में किस प्रकार से रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।